Assalamu alaikum. This is Iram Firman, and in this video, I'm going to discuss about the bones and their parts. ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर बोन होती क्या है. What is bone? तो जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारी कुछ इस तरह है कि बोन इज 1/3 कनेक्टिव टिश्यू एंड 2/3 कैल्शियम सॉल्ट. ठीक है, इसको हम समझ कैसे सकते हैं? इसको हम इस तरह समझते हैं कि अगर हम एक बोन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो उन 3 पार्ट में से जो 1 पार्ट है हमारा वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का होगा, और जो 2 रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं वो किसके होंगे, हमारे कैल्शियम सॉल्ट्स के होंगे. और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा ऑर्गेनिक पार्ट होता है और इसमें मेनली हमारा कोलेजन फाइबर आ रहा होता है, और जो हमारे कैल्शियम सॉल्ट्स हैं ये हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा मेनली कैल्शियम फॉस्फेट आ रहा है होते हैं. तो हम बोन को इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह भी इसकी कंपोजिशन की बात कर सकते हैं कि बोन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट से मिलकर बनी है. अब इन दोनों पार्ट्स का जो है ना, दोनों कनेक्टिव टिश्यू और कैल्शियम फॉस्फेट, कुछ ना कुछ फंक्शन है. जो हमारी बोन इतनी हार्ड और रिजिड हमें दिख रही होती है ना, तो दिस हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ दीज कैल्शियम सॉल्ट. ठीक है, और जो सेकेंडली हमारी जो बोन इतनी फ्लेक्सीबल दिख रही है, फ्लेक्सीबल दिख नहीं रही होती, वो हार्ड ही है लेकिन फ्लेक्सीबल फंक्शन के लिहाज से कि हम जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही परफॉर्म कर रहे हैं ना. तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब ये दोनों बहुत ज़्यादा बोन का स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. अगर हम एक भी रिमूव करते हैं तो हम अपना फंक्शन अचीव नहीं कर पाते हैं. जैसे अगर हमने अपनी बोन से इनऑर्गेनिक पार्ट रिमूव कर दिया किसी भी एसिड में अपनी बोन को डाल के, तो पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी देना. तो हमारी बोन इतनी फ्लेक्सिबल बन जाती है, इतनी फ्लेक्सिबल बन जाती है कि हम लोग उसकी नॉट बना सकते हैं. वी कैन ईजिली मेड अ नॉट ऑफ इट, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं. और अगर हमने एक बोन से कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट रिमूव कर लिया, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट, वो हम कैसे रिमूव करेंगे कि अगर हम बोन को जला दें तो उसका ऑर्गेनिक पार्ट रिमूव हो जाता है, सिर्फ पीछे इनऑर्गेनिक पार्ट बचता है. और इनऑर्गेनिक का काम क्या होता है कि हमारी बोन को हार्ड बनाता है, सिर्फ हार्डनेस. तो ज़रा सी कोई चोट लगी, ज़रा सा हमने चला, तो हमारी बोन इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, उसकी बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट चला गया कि वो ईजिली ब्रेकेबल है. ठीक है, वो आराम से किसी भी तरह टूट सकती है, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, वो बड़े आराम से टूट जाएगी. तो कनेक्टिव टिश्यू और जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं ये दोनों हमारी बोन को स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन करके रखे हुए हैं. सही है, अब फंक्शंस पे आ जाते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन? ठीक है, इनके फंक्शंस हमें बहुत क्लियर आइडिया है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर अ रिव्यू हम पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला फंक्शन जो के है वो है शेप ऑफ द बॉडी. हमारी जो बॉडी की शेप है वो कौन मेंटेन करता है? हमारी बोन्स मेंटेन करती हैं. विदाउट बोन हमारी बॉडी जो होगी बिल्कुल शेपलेस ही होगी. जैसे कि आप इस सेकेंड पिक्चर में देखें कि स्केलेटन के साथ बंदा खड़ा हुआ है मज़े में, ठीक है, लेकिन जैसे ही उस बंदे का स्केलेटन रिमूव हुआ तो क्या हो गया, बिल्कुल शेपलेस, कोई शेप ही नहीं है और गिर गया ज़मीन पर, ये तो फिर बैठा हुआ है बंदा, लेट जाएगा बगैर बोन के. तो शेप ऑफ द बॉडी हमारी कौन मेंटेन किए रखा है? वो हमारी बोन्स मेंटेन की हुई है. और हमारा क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन टू विथड्रॉज. ठीक है, विथड्रॉज कहते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को. हमारी जो बोन है, हमारा जो बोनी स्केलेटन है, हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या किए हुए, प्रोटेक्ट किए हुए, उनकी प्रोटेक्शन और कवर किया हुआ है. सही है, लंग्स को, रिब्स ने, उसके बाद हमारी नीचे स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकी सब किस में कवर है? हमारे स्केलेटन के अंदर कवर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं हमारे, जिनको हमारी बोनी स्केलेटन ने कवर किया हुआ है, प्रोटेक्शन दी हुई है. जैसे हम थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं कि ब्रेन कितना डेलिकेट पार्ट है, इसको किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है? हमारे बोनी स्कल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है. उसके बाद थर्ड फंक्शन है मसल अटैचमेंट. बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो मसल्स हैं वो हमारी बोन से अटैच होते हैं थ्रू टेंडन्स. ठीक है, तो ना बोन्स होंगी ना हमारे मसल्स अटैच होंगे, और फिर वही शेपलेस सी बॉडी. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बोन का, वैसे तो सब ही बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये कि बोन मैरो मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स. इस बात से क्या मुराद है कि हमारी बोन के अंदर होता है बोन मैरो. ठीक है, इस पिक्चर के अंदर देखते हैं इस बोन मैरो का काम क्या होता है कि इधर ये मैन्युफैक्चर कर रहा होता है स्टेम सेल. फर्स्ट पिक्चर देखिएगा, ये स्टेम सेल्स आगे जाके डिफरेंशिएट होते हैं हमारे ब्लड सेल्स के अंदर. ये ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ब्लू वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है,
तो फिर ये हमारा ऑब्वियसली ब्लड बना रहे होते हैं, तो जो हमारा बोन मैरो है ना, बोन मैरो होगा ना ब्लड होगा, तो बोन की इतनी अहम बात है, और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन हाँ हमने थोड़ा जस्ट फॉर अ रिव्यू लिया है. अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ अ यंग ग्रोइंग बोन. ठीक है, यहाँ मेंशन लिखा है यंग ग्रोइंग बोन. मैंने यहाँ एडल्ट बोन की बात नहीं की है, मैं यहाँ यंग बोन की बात कर रही हूँ, यानी कि यकीनन एडल्ट की एक बोन और हमारी यंग बच्चे यानी बच्चे की बोन, चाइल्ड की बोन, इन दोनों में यकीनन कोई ना कोई फ़र्क होता है, वो हम हाँ होता है, वो पढ़ेंगे हम आगे से. ये पहले हम यंग ग्रोइंग बोन की बात करते हैं, तो इसके होते हैं टोटल चार पार्ट. सबसे पहले एपिफाइसिस, फिर एपिफाइसिस के नीचे एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, उसके नीचे मेटाफाइसिस, उसके बाद आता है हमारा डायफाइसिस. ठीक है, इस पिक्चर के अंदर जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, यानी हेड और टेल देखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिफाइसिस कहते हैं. एपिफाइसिस के नीचे, एपिफाइसिस ऊपर भी है नीचे भी है, और एपिफाइसिस के नीचे हमें नजर आ रही है एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, इस एपिफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज नीचे भी है ये और ऊपर भी है, और इसके नीचे होती है हमारी मेटाफाइसिस. ठीक है, मेटाफाइसिस नीचे वाली लेबलिंग के अंदर है, लेकिन ये ऊपर भी मौजूद होती है. उसके बाद जो ये बीच में बड़ा सारा पार्ट बच गया है, अगर हम हेड और टेल को रिमूव करते हैं, तो बाकी पूरी बोन हमारी क्या कहलाती है, डायफाइसिस कहलाती है. तो ये चार बोन के, चार यंग ग्रोइंग बोन के क्या है, हमारे पार्ट्स होते हैं एपिफाइसिस, फिर प्लेट ऑफ कार्टिलेज, मेटाफाइसिस एंड फाइनली डायफाइसिस. ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा एपिफाइसिस. ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि ऊपर हेड वाला पार्ट और नीचे वाला टेल वाला पार्ट में हमारे क्या कहला रहे हैं, एपिफाइसिस कहला रहे हैं. इसका काम क्या होता है कि ये हमारी आर्टिकुलेशन में मदद कर रहा होता है. ठीक है, आर्टिकुलेट कर रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये आर्टिकुलेट करेगा, यानी कि किसी बोन के साथ जॉइंट बनाएगा. ठीक है, लेकिन मेजर मेजॉरिटी में इसका ये काम होता है. जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये जो हेड है, अच्छा एपिफाइसिस को हम हेड भी बोल सकते हैं, ये दूसरे बोन के साथ मिलके क्या बना रहा है, हमारा जॉइंट बना रहा है. सही है, तो एपिफाइसिस का होता है ये काम, लेकिन वो आर्टिकुलर भी होते हैं और नॉन आर्टिकुलर भी होते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि एपिफाइसिस के नीचे आ जाती है, एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. इसका क्या काम है, अच्छा जो ये एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है, This is the difference point between an adult bone and a younger bone. ठीक है, बच्चों के अंदर जो होती है एपिफाइसल प्लेट ऑफ कार्टिलेज मौजूद होती है, जबकि बड़ों के अंदर ये एपिफाइसल प्लेट ऑफ कार्टिलेज नहीं होती है. तो हमारा यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर बड़ों के अंदर ये कहाँ गायब हो जाती है. तो इसका जवाब ये है कि जो हमारी छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बोन का साइज भी छोटा होता है, उनका तो खुद का साइज बहुत छोटा होता है, तो जो उनका जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी जो बोन की ग्रोथ हो रही होती है, वो इस एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज की वजह से ही हो रही होती है. और जैसे ही वो एडल्टहुड में पूरा कंप्लीट हो जाते हैं, एक चिल्ड्रन पूरा एडल्टहुड बन जाता है एक बच्चा, तो फिर उसकी ये जो एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है, वो कन्वर्ट हो जाती है एपिफाइजियल लाइन के अंदर. ठीक है, यही वजह है कि बड़ों में एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज नहीं है और बच्चों में एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज होती है, क्योंकि उनकी बोन ने ग्रो करना होता है. ठीक है, अच्छा ये बहुत अच्छी सी पिक्चर है जिससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ये है कि ए वाली पार्ट जो है वो हमारी ग्रोइंग बोन है, और जो बी वाला है वो हमारी मेच्योर बोन है. ठीक है, जो ग्रोइंग बोन है उसमें हम देख रहे हैं एपिफाइजल प्लेट है, जो कि ग्रोथ प्लेट है, और इस बोन का साइज भी आप देखें कितना छोटा है, जबकि हमारी जो बी वाली है उधर एपिफाइजल प्लेट जो है हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई, लाइन में कन्वर्ट हो गई है. और कन्वर्ट नहीं होती, बेसिकली ये फ्यूज हो जाती है आगे एपिफाइसिस के साथ, और फिर इसका साइज भी पूरा फुल अटेन हो चुका है. और वो है, कहते हैं ना कि एक सर्टेन एज के बाद आकर आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है, वो आपका हाइट ना बढ़ने की वजह यही होती है कि जो ये कार्टिलेज है ये कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया होता है, कम्प्लीटली फ्यूज हो जाता है. अब जो बंदा है उसने थ्रू आउट द लाइफ उसी हाइट का, उसी साइज का रहना है. खैर साइज पे तो नहीं, हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है कि एपिफाइसिस हो गया, फिर उसके बाद कार्टिलेज की प्लेट आ गई है, उसके बाद हमारी क्या होती है, आता है मेटाफाइसिस. ठीक है, जो मेटाफाइसिस है ना, ये कॉमन साइट होता है ऑस्टियोमिलाइटिस का. सही है, ये ऑस्टियोमिलाइटिस समझने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी मेटाफाइसिस है ना, ये हमारी एक्टिव ग्रोथ ऑफ जोन है. इधर ग्रोथ ठीक ठाक और ज़बरदस्त तरीके से हो रही होती है,
और जिस पार्ट में हमारी ग्रोथ होती है उस पार्ट में ना ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों में क्या होता है, क्योंकि एपिफाइसिस के नीचे क्या आ जाती है, कार्टिलेज आ रही होती है। तो जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई लेकर आ रही होती हैं, जैसे पिक्चर में देखें कि जो आर्टरीज ब्लड लेकर आ रही होती हैं, वो क्या होती हैं, स्लेट की वजह से बेंड होती हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और बना लिया इन लोगों ने। अब इस बेंडिंग की वजह से जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे पैथोजेंस हैं, उनको एक गोल्डन चांस मिल जाता है कि वो इजीली इधर आकर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया इधर आकर ट्रैप हो गया तो अब उसने सुकून से थोड़ी बैठना है, उसने तो जो है तबाही मचानी ही है। तो हमारी आर्टरीज का शिकार हो जाती है कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिस येलो पार्ट इज शोइंग बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज बाय बैक्टीरिया, और ईकोलाई बैक्टीरिया होता है हमारा। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ये बच्चों के अंदर ही होती है, क्योंकि बड़ों के अंदर तो प्लेट ऑफ कार्टिलेज होती नहीं है, तो बेंडिंग का कोई खतरा ही नहीं। सही है, ये हो गया हमारा मेटाफाइसिस, ग्रोथ ऑफ एक्टिव जोन है, और कॉमन साइड ऑस्टियोमाइलाइटिस का हमारा मेटाफाइसिस ही होता है। हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज डायफाइसिस। हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बीच वाला पार्ट होता है बोन का, अगर हम हेड और टेल रिमूव करते हैं तो उसे हम डायफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये डायफाइसिस होता है, हम शेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड शेफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायफाइसिस। इस डायफाइसिस के अंदर हमारे मौजूद होते हैं प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक है, प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन हमारे बिफोर बर्थ डेवलप होते हैं। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी बोन का मेच्योर होना, बनना। तो जो प्रीनेटल पीरियड होता है डेवलपमेंट का, हमारे प्राइमरी सेंटर्स वहाँ पर तब अपेयर होते हैं। और जो दो सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी सेंटर्स जो होते हैं आफ्टर बर्थ अपेयर होते हैं, और ये सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन मौजूद होते हैं हमारे जो ऊपर की तरफ हैं एपिफाइसिस में, वहाँ मौजूद होते हैं। यही वजह होती है कि जो एक बच्चा होता है जब पैदा होता है, उसकी जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो एक एडल्ट के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। उसकी 300 बोन्स होती हैं और एक एडल्ट की जो है वो 206 बोन्स होती हैं। तो ये कहाँ चली जाती हैं, ये फ्यूज़ होती हैं। ये फ्यूज़ कैसी होती हैं, ये सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन की वजह से फ्यूज़ होती हैं, जो कि आफ्टर द बर्थ अपेयर होता है। ये हो गई हमारी बात डायफाइसिस की। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। तो हमने पार्ट्स पढ़े थे एक यंगर बोन के, कि चार पार्ट्स होते हैं, एपिफाइसिस, एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस। और फिर हमने इनका डिफरेंस पढ़ा कि जो एक एडल्ट की बोन होती है उसमें एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज नहीं होती है, जबकि एक यंगर बोन के अंदर होती है। हमने इनके फंक्शंस पढ़े। ठीक है, एपिफाइसिस ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके नीचे हमारी प्लेट आ जाती है, फिर मेटाफाइसिस आ जाता है, फिर डायफाइसिस आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।